आते समय एक सीन भी हो गया, ये देख रहे हैं हाथ में कैमरा, ये DJI Osmo है, इसका लेंस टूट गया। जिया को अभी मालूम चला इस Osmo Action के बारे में, बेचारी नाराज है। ये आ गया हमारा चाय और ये है रस्क चाय। हाँ ये है चाय और ये है रस्क। अब दोनों को खाते हैं। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं पतिदेव कितने मजे से खा रहे हैं, और हमें याद भी नहीं था जब हम उनको चाय दिए ना तो बोलते हैं बिस्किट भी दो ना, तो फिर हमको याद आया कि ओ कल बिस्किट खरीद के लेके आए थे, और जब हम खरीद रहे थे तो पतिदेव इतना ताना दे रहे थे। बिल्कुल, क्या बाइक आगे जा रही थी, अब बाइक को रुकवा कर फिर पीछे घुमा कर खरीदवाई है, ये तो आपके लिए ही खरीदे थे ना। अच्छा ये देखिए क्या हाल कर रखा है, तो भाई देवी ने सारे कपड़े ये काम तो मेरा बिल्कुल नहीं है। ये हम साबित कर सकते हैं, अगर ये काम मेरा होता तो ये सभी एक जगह नहीं होता, वो सब अलग अलग रूम में होता। तो झूठ पकड़ा गया ना, देखते हैं कितना झूठ बोलती है ये। फैला के रखते हैं, एक कपड़ा पहनेंगे फिर दूसरा कपड़ा नहीं मिलेगा तो तीसरा कपड़ा पहन लेंगे और फिर सारे कपड़े। तब ये काम मेरा कैसे हुआ ये बात बताओ, ये काम मेरा कैसे हुआ, सारा ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे रखी हुआ तब सबको। हाँ तब तुम्हारा काम हुआ ना फिर। और जी देख रहे हैं पतिदेव को एक तो पूरा घर को गंद फैला करके रख दिए हैं, और जब बोलते हैं तो गाल तक नहीं लगने देते हैं। जी आपने सुना है ना सच्चाई की हमेशा आवाज बुलंद होती है, सच्चाई तो बोलने वालों की करके रखते हैं। कोई नहीं पहचान होती, झूठ बोले वाले हमेशा आगे रहते हैं। और जी यहाँ पे हम अपना रूम ठीक कर रहे हैं, इसी बीच में दीदी आ गई काम करने के लिए, वो अपना काम कर रही थी, उसी बीच में उनको याद आया कि हमने कुछ मेकअप का सामान मंगवाया था, तो दीदी पूछ रही है कि क्या सा मंगवाया दिखाओ, तो वही हम दीदी को दिखा रहे हैं। और जी रूम को ठीक करने के बाद हम आ गए किचन में अपना खाना बनाने के लिए, आज ज़्यादा सब्जी था नहीं कि सब्जी बेचने वाला भी नहीं आया, तो गोभी था और मूली, हम सोचे दोनों को मिक्स करके ही आज हम बना देते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जी काट रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट भी आया था कि आप गोभी फ्राई कैसे करती हैं तो आप बता दो, तुम सोचे इसी बीच में आपको बता भी देते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। और जी यहाँ पे हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें डाल देंगे सरसों तेल, और जैसे सरसों तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे जीरा, उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हरी मिर्च और जीरा तो उसमें डाल देंगे गोभी, उसके बाद हल्दी डाल करके थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद हम उसको ढक देंगे कुछ देर के लिए। अब नमक अभी नहीं डालना है, जब थोड़ा सा हमारा गोभी फ्राई हो जाएगा फिर उसमें नमक डालना है। और क्या बन रहा है, कौन सा सब्जी है? गोभी को फ्राई कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? देख रहे गोभी फ्राई है कि नहीं, कल तुम बोल दी चिली पनीर बना रहे हैं, अच्छा गोभी फ्राई है, बोल दी कल चिली पनीर बना रही है और शिमला मिर्च पनीर था। कमेंट आया है, इतना कमेंट आया है कि पूछो मत। जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि हमको आता नहीं है, अच्छा देखे थे हाँ। चिली पनीर सर्च मारे वो आ गया, बस हम देख के बना दी। हाँ वो जो कविता किचन का आ गया था हाँ। देख के बनाने में लिखा हुआ था शिमला मिर्च पनीर, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ना भी भूल गई है। तो वह वीडियो था कविता किचन का, जिया ने वहां से देखा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि शिमला मिर्च पनीर है, और सुनिए ना हुआ क्या। ये जो है हमको वो वीडियो ला करके दिखाई, जब हम कमेंट देखे कि देखो इस पर कमेंट ऐसा ऐसा है, तब ये क्या हुआ हमको वीडियो ला करके दिखाई, ये देखिए ये वीडियो है, हम उसका टाइटल पढ़े हाँ वीडियो देखे लगा कि हाँ सारा रेसिपी वही है सब कुछ। फिर क्या हुआ हम उसका टाइटल पढ़े उसमें लिखा हुआ था शिमला मिर्च पनीर, मुँह क्या छिपा रही है मुँह दिखाओ। तो जी वो शिमला मिर्च पनीर है, चिली पनीर नहीं है, आप लोग भी अपनी बेइज्जती नहीं करा लीजिएगा, कोई गेस्ट आ जाए तो वो शिमला मिर्च पनीर है। और जब हमारा गोभी फ्राई हो जाएगा तो उसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी देर अच्छे से चलाएंगे, और जब थोड़ी देर के बाद अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब उसको निकाल देंगे। देखिए हमारा गोभी बनकर तैयार हो गया। गाड़ी चला रहे हैं। ये मलाई और है नारियल का लड्डू। ये मेरा दोस्त आया हुआ है, बेचारे को आज टाइम मिला है लगता है ड्यूटी से। क्या मलाई कौन ज्यादा होता है?
गलत करते हैं। मलाई पसंद नहीं है? अरे उतना खाते नहीं, पछता नहीं है कोई से। मलाई पछता नहीं है? वो मिली हमारे नए दोस्त सूरत से, ये भी हमारा बचपन का दोस्त है, बेंगलोर में जॉब करता है और ये कोविड का टाइम है जो इसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसी वजह से हम लोग की मुलाकात भी हो पा रही है, नहीं तो जी कहाँ मुलाकात हो पाती है आज के व्यस्त जमाने में। लग रहा है कि शायद हम लोग आज 3 या 4 साल बाद हम लोग मिले हैं जी। अपने दोस्त के साथ हम आ गए हैं यहाँ रेलवे फील्ड और देख रहे हैं कुछ जुगाड़ हो जाए क्रिकेट खेलने का। हाँ। हो जाएगा? एकदम जरूर होगा, जरूर होगा। अभी थोड़ा सा क्रिकेट खेलेंगे और वैसे भी ठंड है, थोड़ा सा शरीर में आ जाएगा गर्मी खेलकर। जब फील्ड आ रहे थे तो फील्ड आते समय एक सीन भी हो गया, ये देख रहे हैं हाथ में कैमरा, ये DJI Osmo है, इसका लेंस टूट गया और यह टूटा इस तरह से कि बाइक से आ रही थी और मेरी बाइक का जो है लॉक सिस्टम थोड़ा खराब है इसलिए उसका डिक्की खुला रहता है। एक आ गया, वो ठोकर आ गया था तो उसी के ऊपर से चल रहे थे और ये उछल के गिरा रोड पर और लेंस का ये हालत हो गया। महारानी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अब लगता है कैमरा देख के गुस्सा खत्म हो गया है। इधर देखो जिया को अभी मालूम चला इस Osmo एक्शन के बारे में, नहीं देखो कितना डिजाइन बन गया इसमें, ये सूट हो रहा है, सूट होने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर दिखाते हैं तुमको, रुको तुम्हारा एक वीडियो लेते हैं, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है लेंस में। बेचारी नाराज है कैमरा टूट गया। A few moments later. मैं आ गया हूँ घर पापा को ड्रॉप करके, जिया लग रहा है नहीं यहाँ पर, लगता है छत पर गई है, तो छत पर चलते हैं, वो नाराज है इस कैमरा के फूट जाने से, तो जाते हैं थोड़ा सा मना लेते हैं। यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं गया बस। आप लेते क्यों जब संभालने का दम है ही नहीं, तो लेते क्यों आप? फिर तुमने संभाली, अरे लिए कुछ लाए हैं, हमको नहीं खाना है वो, अपने लिए लाए क्योंकि हमको पसंद भी नहीं है। ठेकुआ तुमको बहुत पसंद है ना? ना चॉकलेट मिला नहीं, सोचे तो ठेकुआ ही ले आते हैं, तो चॉकलेट का पूरा दुकान ही बंद है, मतलब चॉकलेट चाहिए था। यहाँ चश्मा रख दो, इसके ऊपर बैठ जाना। चश्मा वहाँ रखा हुआ था, हम तो वहाँ रखते नहीं, हम तो सही जगह रखते, तुम ही रखी वो कैसे है ट्राइपॉड रखा हुआ, ऐसे लग रहा है कि जैसे किक मार रहा है किसी को। ओह उसका टांग पकड़ के उठा दी। 3 hours later. जी उठ जा। नहीं गए जी, जाओ जिम। अरे कल जाएंगे, अब सुबह तो बहुत बोल रहे थे कि शाम में जाएंगे, शाम में जाएंगे, काम था ना कुछ, अभी भी कुछ काम है तो अब सुबह हम जाएंगे। ये सब बहाने नहीं चलेंगे आपके। क्या बहाने? काम हो या ना हो लेकिन जिम जाना पड़ेगा आपको। फालतू का एक बार बताओ, जिम जाना जरूरी है क्या? घर में ही वर्कआउट हो सकता है। ये सब आपके बहाने हैं, ये सब आपके बहाने हैं जिम नहीं जाने के। अभी तक आपका इतिहास क्या है कि जिम जाना छोड़ना? कितना दिन आप घर में वर्कआउट किए? कई बार हम जिम गए हैं और कुछ दिन में छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छी बात है कि अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं। नहीं नहीं, अब जब इतना ज्यादा सब कुछ तमाशा कर ही चुकी है, इतना ज्यादा पोल खोल ही चुकी है, तो बताइए नहीं देते फिर। कुछ पोल खोलने का इनको डर नहीं है, सब डर है रेडी का कि हम जाके बोल भी देंगे। अच्छा बहुत गॉड, बहुत बढ़िया। जिम जाने से अभी तक शरीर में कुछ तो बदलाव तो दिखा नहीं है बहुत, आपको क्या? और जी यहाँ पे अपने बालों में तेल लगा रहे हैं, आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते थे कि आप अपने बालों में कौन सा तेल लगाते हैं, तो हम निहार का कोकोनट ऑयल यूज करते हैं और पतिदेव भी यही यूज करते हैं, हमें तो काफी अच्छा लगता है, शादी से पहले भी यूज करते थे हम। तो जी इस व्लॉग को अब हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और हाँ जी कैमरा थोड़ा टूट गया है मेरा, और क्या इसका तो आदत ही है, पहले आपने बाइक का शीशा भी देखा होगा कि टूट गया है। अच्छा। और एक चीज नहीं देखा होगा आपने, इन्होंने अपना हेलमेट जो है वो भी खो दिया। अच्छा। पे। हाँ। और अपना फोन का जो पीछे वाला वो भी टूट चुका है इनका, एक दो दिन पहले वो नहीं दिखाया आप लोगों को। और आज देख रही हूँ कैमरा टूट गया है, तो मेरे गुस्सा होने से मेरा ही खून जलेगा। सही बात है, अब समझ में आया। तो बताइए जी कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।